ठंड के कारण कमरे के अंदर रात के वक्त सिगड़ी जलाकर सो रहे कॉक्स डिस्लरी के दो कर्मचारियों की मौत, तीन बेहोश। पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर पांचों को निकाला बाहर, इलाज जारी। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। छतरपुर में ठंड का सितम लगातार जारी है। ऐसे में ठंड से राहत पाने के लिए जिले के नौगांव में कॉक्स डिस्लरी में पांच कर्मचारी एक कमरे में रात के वक्त राहत पाने के लिए कमरे के अंदर सिगड़ी जलाकर सो रहे थे और धुएं के कारण दम घुटने की वजह से दो कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। वहीं तीन कर्मचारी अभी बेहोश बने हुए हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। घटना की सूचना लगते ही पुलिस एवं प्रशासन की टीम सुबह करीब 10:30 बजे मौके पर और यहां पर टीम ने दरवाजा तोड़कर कर्मचारियों को बाहर निकाला। इसके अलावा तत्काल ही इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम आपको बता दें, नौगांव की कॉक्स डिस्लरी में शराब बनती है और यहां पर सभी कर्मचारी बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें पवन कुमार और प्रकाश कुमार नाम के दो कर्मचारियों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। वहीं धीरेंद्र कुमार, नीतेश कुमार, ब्रजेश कुमार बेहोश हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। जांच कर रही टीम का कहना है कि प्राथमिक जांच के उपरांत यह पाया गया कि दम घुटने की वजह से इन दो लोगों की मौत हुई है। अब जांच उपरांत जो भी तत्व सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेहोश कर्मचारी जब होश में आएंगे तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस दौरान नौगांव के BMO क्या कहते हैं, यह सुनिए। देखिए, पुलिस एवं पुलिस के माध्यम से अस्पताल में पांच व्यक्तियों को लाया गया है, जिसमें से कि दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और तीन लोग गंभीर स्थिति में बने हुए, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है एवं तीनों व्यक्ति अभी अनकॉन्शियस हैं और उनको प्राथमिक उपचार के बाद 108 के माध्यम से जिला अस्पताल छतरपुर के लिए ICU शिफ्ट किया जा रहा है। अभी आपकी पहली दृष्टि में क्या लग रहा है, कैसे ये घटना हुई? अभी जैसे जो प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और ऑक्सीजन लगातार 100% देने के बाद प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद वो रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, आँख वगैरह खोल रहे हैं और अभी भी उनका अनकॉन्शियसनेस अल्टर्ड सेंसोरियम बना हुआ है। उधर इस पूरे मामले की जांच कर रहे नौगांव के SDOP का क्या कहना है, जरा यह भी सुन लीजिए। डिस्लरी में लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि एक कमरे में पांच दोस्त या पांच मजदूर साथ में सोते थे और सुबह से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस सूचना के बाद वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद जब दरवाज़ा तोड़ा तो तोड़ के देखा कि एक व्यक्ति जो है वो बाथरूम में और चार व्यक्ति कमरे में थे और जब उनको वहाँ से तत्काल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया तो डॉक्टर ने दो व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीन लोगों की हालत जो है अभी स्थिर है, इलाज इनका चल रहा है, उनको छतरपुर रेफ़र किया जा रहा है और संभवतः घटनास्थल का मैंने निरीक्षण किया है तो संभवतः वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई ना खिड़की थी ना कोई दरवाज़ा था। तो सुना आपने, पुलिस एवं प्रशासन की टीम इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।